नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अरंडी के पत्ते से मिलने वाले 3 फायदों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अरंडी के पत्ते सेहत के लिए काफी लाभकारी हैं। आपने इसके तेल के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन इसके पत्ते में काफी लाभकारी गुण पाए जाते हैं। वैसे तो अरंडी का तेल आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अरंडी का पत्ता मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गाँव वगैरह में ही आपको मिल सकता है। यानी जहाँ गोबर वगैरह इकट्ठा करते हैं वहाँ पर ये इजीली पैदा हो जाता है, या फिर खाली पड़ी जगह में भी ये मिल जाता है। दोस्तों, पेट जीवन में होने वाले सब रोगों का केंद्र है। अगर पेट में कोई दिक्कत हुई तो समझ लीजिए कि आपको बीमारी हो सकती है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी सबसे बड़ी बीमारी उनका खराब पेट है, यानी उनका पाचन तंत्र इतना बिगड़ा हुआ है कि वो थोड़ा सा खाते ही बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको एक बार में ही ये समझ जाना चाहिए कि उसे फिट रख कर ही आप खुद को ठीक रख सकते हैं। और दोस्तों, अरंडी का पत्ता उसमें आपकी काफी मदद करेगा, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको अरंडी के पत्ते के फायदे के बारे में बताएंगे, तो आप अपने पेट से जुड़ी समस्या से ठीक कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, यदि आपको घुटनों का दर्द है, आर्थराइटिस या ऐसी कोई परेशानी है जो इंसान को हर दिन देखनी पड़ती है, तो वो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आजकल के दौर में बड़े हो या बुजुर्ग, सभी में ये समस्या देखने को मिलती है। अगर आपको घुटनों से जुड़ा कोई भी दर्द है तो आपको अरंडी के पत्ते और इसके तेल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उन 3 फायदों के बारे में जो आपको अरंडी के पत्ते देंगे। दोस्तों, यदि आपको नींद नहीं आती है रात को ठीक से, आप सोना चाहते हैं, नींद परेशान करती है और नींद आना भी चाहती है और आ भी नहीं रही, और आप परेशान हो जाते हैं, इससे आपका दिन भी काफी खराब जाता है, तो आपने अरंडी का पत्ता लेना है। अरंडी के पत्ते को एक गरम तेल वाली कटोरी में डाल दें। जब इसका तापमान नॉर्मल हो जाए तो आप इसको अपने सिर पर लगाएं। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। शरीर के वो अंग एक्टिव हो जाएंगे इससे, जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है। तो आपने अरंडी का पत्ता इस्तेमाल करना है नींद नहीं आने की प्रॉब्लम में। दोस्तों, यदि आपको चोट का दर्द है, कहीं पर आपको चोट लग गई है, या पुराने से पुरानी चोट भी क्यों ना हो, तब आपने इसका पत्ता लेना है, और इसके पत्ते से आप दर्द को खत्म कर सकते हैं, चोट को सही कर सकते हैं। अरंडी के पत्ते को आपने क्या करना है, तेल में डुबाना है और उसे दर्द वाली जगह पर लगाना है। आपने गर्म तेल में, या आप सरसों का तेल लीजिए, या नारियल तेल लीजिए, या फिर अरंडी का तेल ही लीजिए, या फिर जैतून का तेल ले सकते हैं, किसी भी तरह का तेल लीजिए, वो आपने गर्म करना है एक कटोरी में डालकर, और आपने अरंडी का पत्ता उसमें डाल लेना है, और इस पत्ते को आपने जहाँ पर आपको दर्द है वहाँ पर आपने लगाना है। इस प्रकार दोस्तों आपको काफी फायदा मिलेगा, आपके चोट जड़ से ठीक हो जाएगी। चोट का दर्द है, पुराने से पुरानी चोट है, या वहाँ पर सूजन आ गई है, या फिर वहाँ पर ब्लड जमा हो गया है, तो वो सारी से ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। आपको यदि कब्ज की दिक्कत रहती है, दोस्तों आपने क्या करना है, अरंडी के पत्तों को लेना है, साफ पत्तों को, इसे पीस लेना है आपने पत्तों को, और इसका जो पाउडर है सुखा कर पीसना है आपने। इसका पाउडर जो है सुबह खाली पेट लेना है आपने। इससे दोस्तों आपकी सेहत अच्छी होगी, और जब आपका पेट अच्छा महसूस करेगा तो आपको भी अच्छा महसूस होगा, सारा दिन आपका अच्छा जाएगा, आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपका जो पेट है अच्छे से साफ हो जाएगा, और पेट से जुड़ी बीमारियां सारी सही हो जाएंगी। क्योंकि जब हम अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, यानी हमें कब्ज की दिक्कत नहीं रहती, तो हम अच्छा फील करते हैं, अच्छे से हम काम कर पाते हैं, और हमारा सारा दिन भी अच्छा जाता है। तो दोस्तों, आपको यदि इन तीनों दिक्कतों में से कोई भी परेशानी हो तो आप अरंडी के पत्ते का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अरंडी का पत्ता औषधीय गुणों से भरपूर होता है, ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आपने इस तरह से अरंडी के पत्ते का इस्तेमाल करना है और अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देना है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।